हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 8th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए बेटा? 8th वीडियो लेक्चर पर। सर आज क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं बेटा, और क्वेश्चन 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 प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। क्या कहते हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हम लोग। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये कहता है, मुकेश फाउंड द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। अच्छा भाई साहब, गलती का पता कब चला है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। मुकेश फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री इफ फाउंड द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो मान के चलते हैं कि क्या खोल दिया होगा इसने, क्या खोल दिया होगा इसने, सस्पेंस अकाउंट खोल दिया होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं। इन द सेल्स बुक ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी पेज नंबर 3 वॉज केवी फॉरवर्ड ऑफ द पेज नंबर 1000 इंस्टेड ऑफ 1200। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, सेल बुक में जनवरी महीने में पेज नंबर 3 से जब हम पेज नंबर 4 पे गए तो 1000 लिख दिया 1200 की बजाय। मतलब एक बार हमारी सेल्स 200 से कम रह गई। आगे पढ़ते हैं, द टोटल ऑफ पेज नंबर 7 कैरी फॉरवर्ड टू पेज नंबर 8 5600 इंस्टेड ऑफ 6000। एक बार हमारी सेल्स 600 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, 600 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। तो नेट क्या हुआ? नेट भैया, हमने 400 रुपए की सेल्स को, 400 रुपए की सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो सेल ज्यादा रिकॉर्ड हो गई, तो सेल्स को कम करना पड़ेगा। सेल्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रुपीज 400, या हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यदि गलती का पता ट्रायल बैलेंस से पहले तो ये, ट्रायल बैलेंस के बाद तो जर्नल एंट्री विद द सस्पेंस अकाउंट कवर अप कर लेंगे। किसी को कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा को? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे, आगे चलते हैं जी। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा आगे? वो कहते हैं सेकंड पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू अनुष्का 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। गुड्स रिटर्न टू अनुष्का, हमने अनुष्का को गुड्स वापस कर दिए। ये फर्स्ट पॉइंट था, अब हम सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं। अनुष्का को गुड्स वापस करेंगे तो क्या कहेंगे? अनुष्का डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, वो कहता है गलती से हमने इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो हमने एंट्री कर दी होगी अनुष्का डेबिट टू सेल्स। हाँ बिल्कुल, ये एंट्री करी होगी। तो अनुष्का को डेबिट होना चाहिए था, अनुष्का डेबिट हो गई, तो कोई गलती नहीं हुई। अनुष्का को डेबिट होना चाहिए था, अनुष्का डेबिट हो गई, दैट्स इट, खत्म बात। पर परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुई, तो टू परचेज रिटर्न। सेल्स को डेबिट ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं होना चाहिए था, तो सेल्स को क्या कर दो? सेल्स को डेबिट कर दो भाई 10,000 से। कोई डाउट? एंट्री क्या बन गई? सेल्स रिटर्न, सेल्स टू परचेज रिटर्न। गॉट इट? चले आगे थर्ड पॉइंट पे, बिल्स रिसीवेबल फॉर 8,000 फ्रॉम रिया वाज डिसओनर। ठीक है, रिया से एक बिल मिला था 10,000 का जो कि डिसओनर हो गया। हम पढ़ते थे कहां पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री कर देंगे रिया डेबिट टू बीआर। अच्छा जी, वो कह रहे हैं पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलायंस अकाउंट। रिया की बजाय हमने अलायंस को डेबिट कर लिया, तो ठीक कैसे करेंगे? ठीक करेंगे रिया डेबिट टू अलायंसेस कर देंगे एंट्री, खत्म। रिया टू अलायंस। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है बेटा?